24 सितंबर 2007 जोहानसबर्ग पार्क में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसमें एमएस धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने 24 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। जी हां, 2007 विश्व कप की बात कर रहे हैं हम, टी20 वर्ल्ड कप की, जो एमएस धोनी की लीडरशिप में एमएस धोनी ने जो एक नया कारनामा किया, जो कि कपिल देव के बाद कोई भी है जो फीट है उसको रिपीट नहीं कर पाया था, और 2007 में ये कारनामा करके दिखाया महेंद्र सिंह धोनी ने। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आशीष जी। आशीष से पूछना चाहेंगे कि क्या क्या यादें आपकी अगर 2007 जो पहला विश्व कप का टी20 की उसकी बात की जाए तो। देखिए, वो कह लीजिए 2007 का जो टी20 वर्ल्ड कप था वो टीम इंडिया के लिए बना जी, बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग ही भारत की कुछ ऐसी हुई, बॉल आउट हुआ, भारत पाकिस्तान के साथ ही पहली बार बॉल आउट हो रहा था, ठीक है जी। उसके बाद युवराज सिंह ने 6 छक्के लगा दिए, बिल्कुल, भारत पहले एडिशन में इंग्लैंड के खिलाफ 200 पार कर गया। उसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो, वहाँ युवराज सिंह का बल्ला चल रहा है, सहवाग गंभीर का बल्ला चल रहा है, धोनी की कप्तानी पहली बार थी उसमें, काफी चीजें नई थी, कह लीजिए टीम भी एक पूरी तरीके से नई थी, काफी युवा जोश था उस टीम में और सब कुछ नया था। उस नए का एक इनाम मिला भारत को, वो 24 सितंबर 2007 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी हाथ में उठाने का। बिल्कुल, जैसे एक जो 2007 अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत डिसअपॉइंटिंग कैंपेन था, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप में एक नई टीम यंग टीम भेजी गई, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, उनको पता था नया फॉर्मेट है, क्या पता इतना बड़ा फॉर्मेट बन जाएगा, उसके बाद किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे कहते ना कि उसमें मौके पर चौका मार दिया, उन्हें पहला इनॉग्रल उन्हें दिखा दिया कि मेरी कप्तानी में टीम कैसा कर सकती है, उसके बाद वो लेगेसी आगे बढ़ती गई। 2011 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, जो टेस्ट में नंबर वन एक दो साल तक हम बरकरार रहते हैं, उनकी लीडरशिप में बरकरार रहते हैं। लेकिन क्या क्या, जैसे हमने युवराज सिंह के 6 छक्के बताए, और जो मिसबाह उल्लाह का शॉट तो खैर वो कोई नहीं बुला सकता, पाकिस्तान से फाइनल लेके जी, बिल्कुल, अगर फाइनल की बात की जाए तो टूर्नामेंट था उससे ज्यादा तो रोमांचक फाइनल था, क्योंकि टीम इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर 157 रन बनाए, गौतम गंभीर संकट मोचन बने, एक बार फिर से 75 रन बनाए उन्होंने, क्योंकि इस टूर्नामेंट में लगातार अच्छा स्कोर करते आ रहे थे गंभीर। निचले क्रम में अगर रोहित शर्मा ने 16 बॉल में 30 जड़ दिए, पाकिस्तान चेज करने आया, नजीर 33 बनाकर रन आउट हुए, मिसबाह उल्लाह अंत तक खड़े रहे, लेकिन वो जोगिंदर शर्मा का जो टर्निंग पॉइंट ओवर था उसने गेम पलट दिया, क्योंकि जब आपको 10 या 11 रन एक ओवर बचाने हो, पहली वाइड चली जाए दूसरी पर छक्का पड़ जाए तो कहीं ना कहीं सांसें अटकने लगती, लेकिन कह लीजिए वो दिन भारत का था, भारत ने मैच जीता और मैच जीतने के साथ साथ एक इतिहास जो 24 साल बाद था वो दोहराया। बिल्कुल, और आज जैसे ट्वीट भी चल रहे हैं सुबह से बीसीसीआई से लेके गौतम गंभीर और जोगिंदर शर्मा की, जो बात हुई उन्होंने कहा कि आईएनएक कोविड की 12 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, अब तो खैर वो थोड़ा क्रिकेट से दूर हैं, अपना जो इंस्पेक्टर या जो प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं वो हरियाणा पुलिस में ही, तो ये दिखाता है कि जो आपकी यादें हैं वो हमेशा ताज़ा रहती हैं, जहन में रहती हैं, क्योंकि अब ऐसा हिस्टोरिक विन और आपने हराया भी किसको, आपने मतलब इससे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कहीं नहीं हो सकता, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान और किसी वर्ल्ड कप का फाइनल, तो इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता। वहीं पे आपने मतलब चित कर दिया पाकिस्तान को, वो जो इमेज है अभी तक ना कि महेंद्र सिंह धोनी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिसबाह उल्लाह पीछे घुटनों पे जर्सी उतार के जैसे, बिल्कुल अपने बच्चे को जर्सी भी दी थी, उसके बाद बाइक चलाई थी जो युवराज सिंह उनको मिली थी मैन ऑफ द सीरीज, हालांकि युवराज सिंह रहते उस टूर्नामेंट के, लेकिन गेंदबाजों की बात कर ली जाए, आरपी सिंह शायद अफरीदी थे जो मैन ऑफ द सीरीज, अच्छा अच्छा हां, युवराज सिंह को बाइक छक्के लगाने का करोड़ का इनाम भी मिला था, बिल्कुल गाड़ी भी मिली थी, काफी माला माल यादों से लेके पैसों से लेके सब में आया थे, वो इरफान पठान रहे थे, इरफान पठान ने डेब्यू किया था इस मैच में, डेब्यू भी बड़े ही दबदार तरीके से किया उन्होंने, आते ही छक्का जड़ दिया, किसी को पता नहीं था कि नया खिलाड़ी आया और ऐसे खेलेगा, लेकिन कह लीजिएगा वो दिन जो 24 सितंबर 2007 का था वो भारतीय टीम के लिए बना था, भारत के लिए ही बना था, धोनी के लिए बना था, कि धोनी की शुरुआत वहीं से हुई थी, और हम जैसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री, जो आगे आप देख सकते हैं कितने उन्होंने, अगर आप डोमेस्टिक लीग से बात कर लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, इंडिया के लिए, तो खैर उन्होंने इतना योगदान दिया, इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन भुला नहीं सकता। लेकिन अगर युवराज सिंह और धोनी के हटकर अगर गौतम गंभीर को बैठा दीजिए, तो जो युवा टैलेंट खोज के निकाला था रॉबिन उथप्पा मान लीजिए, वो कितने साल उन्होंने सर्व किया इंडियन क्रिकेट को, और थोड़ा बहुत अगर आरपी सिंह की रोहित आज तक है ओपनर, खैर तो पहले टेल एंडर एंड में आते थे, स्लॉगर शर्मा ने इसी टी20 वर्ल्ड कप से डेब्यू किया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, जो पहले ग्रुप स्टेज मैच चलते थे, कह लीजिए कहीं ना कहीं आन बान शान है वो, शान और ओपनिंग की जो समस्या है वो अभी तक उन शर्मा पे जाके रुक जाती है, सारे मामले खत्म वहीं से, वही लोग पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, सचिन के बाद क्या आएगा, तो लोगों को अपनी ओपनिंग स्लॉट मिल गया, कोहली मिल गया, अब लोग धोनी की बात पूछ रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, तो हालांकि समय चलता रहता है तो लोग अपने आप योगदान देने आते रहते हैं इंडियन स्पोर्ट्स की बात की जाए, जी इनको सोच के ही चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और आज जब ट्विटर पर वो फोटो देख रहे हैं तो हम लोग को बचपन का टाइम याद आ रहा है कि हम लोग उस टाइम कहाँ थे, कैसे वो मैच देखा था, कैसे सेलिब्रेट किया था, खास कर याद है कि उस समय मेरे घर पे केबल टीवी नहीं हुआ करता था, वो मैच मैंने बाजार में काफी लोगों के खड़े होकर फाइनल देखा, अलग ही मजा है जब सबके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जब जोश रहता है हर चौके छक्के पे, और टी20 तो खैर इसी फॉर्मेट था क्योंकि हर बॉल पे चौका छक्का लगता है या विकेट भी गिरे तो लोगों की जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, जोश होता है, वो आपको उसकी शक्ल पे दिख सकता है, तो ये था हमारा 2007 जो विश्व कप का
ऐतिहासिक जो जीत थी उसका जो हमारा कवरेज था, एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस विश्व कप की सबसे बेस्ट यादें आपकी क्या रही हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।